पाली थाना अंतर्गत ग्राम सुंदरदार में लगे जोहली नदी में मछली मारने गए दो लोग गहरे पानी के बहाव में आ जाने के कारण नदी में बहा गए। 32 घंटे बीतने के बाद भी प्रशंसा के हाथ खाली है। घाटा टोला के रहने वाले गंगा गरिया उम्र 32 साल, अपने बेटे गजानंद जिसकी उम्र 12 साल है और पड़ोस के रहने वाले चंद्रभान जिसकी उम्र 8 साल है, उसके साथ मछली मारने जोहिला नदी के खाले घाट गए हुए थे, जहां गंगा गरिया दोनों बच्चों को लेकर नदी के बीच जाकर पत्थर के टीले में बैठकर मछली मार रहा था। तभी पानी का बहाव तेज होने लगा। पानी का बहाव देखकर गंगा ने पहले अपने लड़के गजाधर को नदी से बाहर निकाला और चंद्रभान उर्फ शनि को लेने दोबारा नदी में घुसकर उसका बचाव करने लगा। तभी नदी में पानी का बहाव अत्यधिक तेज होने से दोनों नदी में बह गए, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। मैं ना राम साहब घर में नींद चले गए खाना साथ खाए महतारी बैठो और फिर मैं नींद चले गए मुझे नहीं पता आज भी कहाँ चले गए। फिर बाद में पूछा शाम के तो कहाँ नंदी लाई की गाँ ये पड़ोसी के घर के साथ गए नहाए कह के तो गए दादा। सुंदर दादर निवासी रंगमत सिंह ने बताया कि कल ये लोग यहाँ नदी में जाल डालकर मछली पकड़ रहे थे, तभी पानी बढ़ गया और दोनों बह गए। जब तक हम लोगों की नजर पड़ी और दौड़े तब तक पानी और बढ़ गया, किसी की हिम्मत नहीं रही, समय नहीं मिला, बेचारे दोनों बह गए। नहाए गए रहे शनि में पापा। अच्छा बाढ़ आ गए मुझे कहा पापा फिर शनि कह लेगा ही फिर बाढ़ आओ खूब फिर वही गाही फिर शनि पापा खंधे में लौट के रहा फिर कहीं ना पकड़ लाए रहे फिर घर आ गए रहूँ बताओ मैं। गौरतलब है कि इस घटना को दो दिन हो गए लेकिन प्रशासन के हाथ खाली ही है और रोते रोते दो परिवारों की हालत खराब है। अब देखना है कि कब तक प्रशासन दोनों परिवारों को उनके जख्म पर मरहम लगा पाता है। कल अचानक पानी आ गए, पत्थर से जाल खेलते हुए मर गए, बह गए। उनका पिता एक से लड़का था, उसका बाप था, बाप तो चला गया और एक तो गांव का लड़का और था, बाप बेटा दो थे, तो मतलब ये उसका बेटा बच गया लेकिन एक दूसरे घर के लड़का और वो बाप उसका चला गया। यहाँ से जाल खेलते हुए अपना चले गए, अचानक नदी बढ़ गया तो बेचारा चले गए। बचाने के प्रयास अब यहाँ मौके पर कोई नहीं थे, अब फिर जब वहाँ ऊपर से कोई लोग देखे तब दौड़त दौड़त में तब तक नदी बढ़ गए तो कौन दौड़ेगा बताओ। ऐसे में वो कोई समय नहीं मिला, समय मिलता तो क्या सब कोई पकड़ी लेते बेचारे को। अभी इतना नदी एकदम से एक कट्ठा बढ़ गया, अब दौड़ते दौड़ते यहाँ तक लोग दौड़े हैं कि इतना पानी बढ़ गया वहाँ। वैसे घटना में कहाँ दौड़ सके पानी में, अधिकारी लोग फिर बाद में वो लड़का जब बताए तो फोन किए थे तो भाई आए रहे, अभी तो बहुत लोग आए रहे, अभी तो गए आधा घंटा करीब। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।